मेरा लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था जिसे पैराफिलिया ऑफ एग्जीबिशन कहते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि इस डिसऑर्डर का आंशिक रूप हम सभी लोगों में देखने को मिलता है जिसे फैंटेसी के नाम से जाना जाता है, फैंटेसी ऑफ एग्जीबिशन। और जिन लोगों को ये फैंटेसी होती है उनकी अंदर ही अंदर चाहत होती है कि वो अपने बॉडी पार्ट को सामने वाले को एक्सपोज करें, चाहे पब्लिक प्लेस में करें चाहे अपने जानने वाले को एक्सपोज करें, ये उसकी मर्जी के ऊपर होता है। लेकिन जिसको भी ये फैंटेसी होती है चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो थोड़ी सी देर के लिए शरारत भरे अंदाज से अपने बॉडी पार्ट को सामने वाले को एक्सपोज करता है और चंद सेकंड में ही निकल जाता है वहां से। तब आती है और उस इंसान को आती है जिसके अंदर ये जो फैंटेसी है अपने बॉडी पार्ट को एक्सपोज करने की, इसका बड़ा वाला रूप पैदा हो जाता है जिसमें उसका जो मेन फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ अपने जेनिटल को एक्सपोज करना होता है। और ये फ्रिक्वेंटली उसके अंदर ये चीजें पैदा होती है, उसके अंदर ये बेचैनी, ये तड़प पैदा हो जाती है, यार 10 दिन से ऊपर हो गए, मैंने अभी तक अपने जेनिटल को दिखाकर किसी फीमेल के चेहरे की हवाइयां उड़ते हुए नहीं देखी, उसकी घबराहट देखी नहीं मैंने, बड़े दिन हो गए यार तड़प रहा हूं मैं, मुझे कुछ करना है। तो वो हफ्ते भर भी नहीं रह पाता और वो फिर अपना निकल जाता है तलाश में, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाके किसी फीमेल को टारगेट कर लेता और वो इन चीजों को फिर करता है। पब्लिक प्लेस में तो ऐसे लोगों की खैर कोई औकात नहीं होती, वो पमेरियन कुत्ता बन के रहते हैं। लेकिन अगर किसी लेडी के साथ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वो अकेलेपन में है, मतलब आजू बाजू ज्यादा कोई लोग नहीं है, और कोई ऐसा बंदा उसे टकर गया जो उसके सामने अपने जेनिटल को एक्सपोज कर रहा है, मिनटों तक हिला रहा है, और उसके अंदर ये भावना भी आ रही है कि मैं इसके साथ कुछ गलत करूं, तो वो कर सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई औरत पड़ जाए तो उसे कैसे बचना है उस आदमी से, इसी के बारे में आज ये वीडियो रहेगा। तो अगर कोई फीमेल, कोई लड़की, कोई महिला अगर देख रही है तो यहां से इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले तो सवाल देखो यही उठता है कि इस तरह के लोग क्या किसी के साथ गलत कर सकते हैं। तो अगर अकेले में अगर उसने किसी लेडी को टारगेट कर लिया है तो बिल्कुल गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसऑर्डर का शिकार है, उसके अंदर का जानवर कब जाग जाए कुछ पता है क्या? अगर अकेलापन उसे मिल गया है तो उसके अंदर की बीमारी बड़ा रूप ले सकती है ना उस वक्त, सिचुएशन देख के, माहौल देख के। अब बात आ जाती है कि अगर वो बीमार कोई फीमेल है और उसने किसी मेल को टारगेट कर लिया है, तो देखो यहां तो मैं यही कहूंगी कि उस आदमी अगर वो चाहता उसके साथ कुछ करना, वो जो फीमेल है उसे इनवाइट कर रही है, अकेलेपन में है, तो कोई आदमी मौका नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसा मौका जाने देगा, अकेलेपन में है और वो उस फीमेल के साथ करेगा ही करेगा। वो औरत भी सिक्योर है जिसे बीमारी है, वो आदमी भी सिक्योर है, लेकिन बेटर यह है कि वो औरत अपना इलाज कराए अगर इस तरह की उसके अंदर ये डिजायर आती है कि मैं अपने बॉडी पार्ट को एक्सपोज करूं, अटेंशन लूं और उसे अपनी तरफ आकर्षित करूं और उसके साथ सेक्स करूं, और ये उसके साथ फ्रिक्वेंटली चीजें हो रही है, तो आप जाके किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज अकेलेपन में इस तरह से कोई फीमेल अगर किसी आदमी को टक्कर गई है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली बोल रही हूं। लेकिन अगर बात किसी फीमेल की आती है कि वो टक्कर गई है किसी ऐसे आदमी के साथ और वो उसके साथ कुछ गलत करने की इच्छा रखता है, उस लड़की को भी इंटेंशन आ रही है, उसके सिक्स सेंस कह रही है मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, तो ऐसे में वो क्या करे? तो ऐसे में वो फीमेल अपना बचाव उस बीमार आदमी से कैसे करे? लड़की हो, बड़ा बड़ा पर्स थैले जैसा लेकर घूमती हो, चॉकलेट भी रखती हो अपने बॉयफ्रेंड का दिया हुआ, फूल भी रख दियो, क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब उसमें रखती हो, कंघा तक एक स्प्रे नहीं रख सकती हो, परफ्यूम तो रखती होंगी, तो जब दिख रहा है कि वो आदमी आपके सामने आ रहा है वो परफ्यूम उसकी आंखों में छिड़क दो, कुछ देर के लिए जलन तो वो परफ्यूम भी मचा जाएगा उसकी आंखों में, फिर वहां से भाग जाओ अगर भाग सकती हो तो। नाइफ रखो आत्मरक्षा के लिए, अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए छोटा सा नाइफ आपके पर्स में हमेशा होना चाहिए। वो नाइफ सिर्फ रखने से कुछ नहीं होगा, उसको चलाने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो हिम्मत अपने अंदर पैदा करो, बोल्ड बनो। सिर्फ कपड़े बोल्ड पहनने से इंसान बोल्ड नहीं होता। अब एक और चीज, अपने जिस प्राइवेट पार्ट को वो हिला हिला कर दिखा दिखा कर सबसे ज्यादा ताकतवर और मर्द बनकर दिखा रहा है, कुदरती उसका सबसे कमजोर पार्ट, उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा वही होता है, तो क्या तुम अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा नहीं कर सकती? उसे ये एहसास नहीं दिला सकते यार कि तुम डर गई हो,
सहम गई हो, सरेंडर कर दिया तुमने, ताकि वो निर्भीक हो जाए और जैसे उसे गुमान हो जाए कि मैंने तो इसे अपने चंगुल में कर लिया, अब ये मुर्गी फंस गई कहीं नहीं जाने वाली, जैसे वो निडर हो जाए उठाकर मारो पंच एक उसकी उसी जगह पे, लात मारो भूसा मारो कुछ भी, हाथ है ना कुछ भी पकड़ के उसके नींबू की तरह उसके टेस्टिकल को निचोड़ दो, अगला सोचे तो आगे अब तो मुझे ओरल करेगी, पकड़ के भीच डालो निचोड़ डालो, ओरल निकाल दो उसका अच्छे वाला, स्क्वीज कर दो, बाल बस्टिंग कर दो साले की, इतना दबा के उसको पंच मारो, ऐसे पकड़ के उसके टेस्टिकल निकाल दो बाहर कि ना वो हिलाने के लायक रहे ना दिखाने के, साला चली ना पाए, भागने लायक ना रहे तुम्हारे पीछे। डरो मत, दुनिया को डराओ। जब भी इस तरह के कांड होते हैं किसी लड़की के साथ तो दुर्भाग्यवश वो अकेली होती है, लेकिन इस अकेलेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इससे लड़ो, इस अकेलेपन से लड़ो, अपने अंदर थोड़ी सी मर्दानगी पैदा करो। छोटी छोटी चीजें अपने साथ हमेशा अपने पर्स में रख के चला करो और इसे यूज करने की, उपयोग करने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ चार लोगों में दिखाने के लिए नहीं वो चीज होनी चाहिए कि इसको भी आप दिखा रहे हो कि देख कितनी बोल्ड हूं मैं, लेकिन जब ऐसा कोई सिचुएशन हुई तो हाथ पैर ही फूल गए, पता ही नहीं लगा कि पर्स में है भी वो चीज या नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना डेवलप कीजिए, कब आपको क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप अकेली होंगी। देखो मैं डरा नहीं रही हूं, सिचुएशन से आपको अवगत करा रही हूं। अपनी बेटी को तो मैं अभी से बोलकर चलती हूं कि मैं नहीं होंगी सारी जिंदगी तेरे को संभालने के लिए, तो तुझे खुद से खुद को खुद संभालना है। तो मेरे कहने से चार चीजें पर्स में रख के तू बोल्ड तो बन गई, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो तू इनका यूज कर पाएगी, कर गई तो पता लगेगा तो कितनी बोल्ड है। तो बोल्ड बनने और बोल्ड होने दोनों में फर्क होता है। अब है कि जो डिसऑर्डर वाला आदमी है, जो मेंटली परेशान है, ये ठीक कैसे होगा, इसे ठीक कैसे किया जाए, क्या पुलिस के चार डंडे उसे ठीक कर पाएंगे? तो देखो वो चार डंडे चार दिन तक इसे ठीक कर पाएंगे क्योंकि इसको पेन रहेगा चार दिन तक, लेकिन जैसे उसका दर्द ठीक हुआ वे फिर शुरू, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर दिक्कत है ना उसके साथ, उसे लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया, उसे मजा आता है इन चीजों में क्योंकि उसे यही लगेगा मैं बीमार का हूं। ऐसे तो हर चलती हुई राह चलती लड़की को कोई आंख मार देता है वो बीमार है, कोई फ्लाइंग किस कर देता है या इशारे कर देता है वो बीमार है, मैं अपना जेनिटल एक्सपोज कर देता हूं मजे ले लेता हूं, कहो मैं बीमार, उसके दिमाग में यही चलेगा। तो वो जो डॉक्टर की नीली पीली गोली वोली ये सब बाद की चीजें हैं, पहले तो उसे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो उसे एहसास करा सके कि तू बीमार है, तू पीड़ित है, और अगर उसे एहसास एक बार हो गया फिर वो खुद जाके दवा लेकर खाएगा, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, आप इसे जबरदस्ती ठीक नहीं कर सकते कि चार लोगों ने उसे पकड़ा और डॉक्टर के ले गए, वो दिमागी रूप से बीमार है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो यही सोचेगा यार शराब पीने वालों को बोलो कि दवाई खाएं शराब छोड़ने की, मैं भी दवाई खाना शुरू कर दूंगा, सिगरेट पीने वालों को बोलो कि छोड़ने की दवाई खाएं मैं भी दवाई खाने लग जाऊंगा, तो जब उनको दवाई की जरूरत नहीं तो मुझे क्यों, मैं बीमार कैसे हूं। इसलिए इसका जो इलाज है साइकोलॉजिस्ट के पास है, उसे उसके अंदर ये एहसास पैदा करना होगा कि तू बीमार है और ये अपराध की श्रेणी में आता है जो तू कर रहा है, उसे घिन आनी चाहिए अपने आप से कि जो मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं है। जिस दिन उसे खुद से घिन आने लग गई, अपने कर्मों पे, अपने किए हुए कर्मों पे घिन आने लग गई, उस दिन से वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद दवाई खरीद के खाएगा। पुलिस के डंडे दिखा दिखा के उसे पड़वा पड़वा के कब तक ठीक कर लोगे? जब तक उसे चार दिन पेन रहेगा तब तक ही वो ठीक रहेगा, और जो फिजिकल पेन होता है ना इसका एक टाइम होता है, लिमिट होती है, इंसान जल्दी भूल जाता है, इसका एक टाइम होता है, लिमिट होती है, इंसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन अंदर जब उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाएगा ना वो उसे भूल नहीं पाएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो जरूर देखिएगा, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है उसका एक फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि अगर फैंटेसी होती है तो उसका रूप क्या होता है और मेंटल डिसऑर्डर ही कैसे बन जाता है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो इसका पहला पार्ट जरूर देखिए।